चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर जश्न। ढोल नगाड़ों पर लोगों ने किया डांस, बांटी मिठाइयां। राहुल गांधी ने चन्नी को दी बधाई, कहा पंजाब के लोगों का विश्वास सर्वोपरि। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिले चन्नी। राजभवन के बाहर समर्थकों का जश्न। कैप्टन अमरिंदर ने चरणजीत सिंह चन्नी को दी बधाई, कहा सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच हमारे लोगों की रक्षा करने में हैं सक्षम। चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर कांग्रेस ने चला मास्टर स्ट्रोक। पंजाब के दलित वोटरों में अच्छी पैठ की कोशिश। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने चन्नी के नाम का किया आह्वान। दिग्गजों को पछाड़कर चन्नी ने मारी बाजी। पंजाब में नए सीएम को लेकर दिनभर बना रहा सस्पेंस। अंबिका सोनी के नाम के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर चलती रही चर्चा। चन्नी के नाम पर मोहर लगने के बाद बोले रंधावा, कांग्रेस आलाकमान का फासला, मैं निराश नहीं। चन्नी ने सोनिया का जताया आभार, कहा मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने पर हार्दिक धन्यवाद। ट्वीट में चन्नी ने पंजाब की विकास यात्रा के लिए काम करने का वादा किया। लिखा जन कल्याण के लिए करता रहूंगा काम, रहूंगा तत्पर। पंजाब सीएम पद को लेकर अंबिका सोनी बोली, मुझे सीएम पद का ऑफर मिला था, मैंने अदब के साथ मना किया। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मुस्तफा बोले, सिद्धू के बहाने गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं कैप्टन। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस से मांगा जवाब, पूछा कैप्टन ने सिद्धू को देशद्रोही बताया, कांग्रेस अपना रुख साफ करे। योगी सरकार ने 4.5 साल की गिनाई उपलब्धियां, कहा बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक राज्य की हमने लिखी इबारत। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। सीएम योगी का दावा, संकल्प पत्र का हर वादा हमने पूरा किया। उत्तर प्रदेश में सुशासन, देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। विपक्ष पर सीएम योगी ने चलाया तीर, कहा पहले मुख्यमंत्रियों में अपने बंगले बनाने की मची रहती थी होड़। सीएम योगी ने कहा यूपी में माफिया राज पर कसा शिकंजा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। किसानों पर सीएम योगी ने जारी की रिपोर्ट कार्ड, कहा 1,45,00,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान। यूपी में महिलाओं के लिए किए गए कामों को योगी ने गिनाया, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1,80,00,000 बच्चियों को हमने फायदा दिया। सीएम योगी के विकास कार्य पर अखिलेश की चोट, बताया झूठ का फूल। बीएसपी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड पर किया हमला, ट्वीट करके कहा सरकार के दावे सच्चाई से कोसों दूर। योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड को प्रियंका गांधी ने कहा झूठा, बोली सरकार ने जनता के सवालों का जवाब तक नहीं दिया। अयोध्या में रामलला हनुमानगढ़ी के सीएम योगी ने किया दर्शन, बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया हिस्सा। कल गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में केजरीवाल ने खेला चुनावी पुलिंदा, कहा आपकी सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी पर केजरीवाल का निशाना, बोले बीजेपी को वोट दिया तो हर साल दिखेगा नया मुख्यमंत्री। अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। बाबुल सुप्रियो ने ममता का जताया आभार, बोले मुझे प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए धन्यवाद। बंगाल में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ खोला मोर्चा, आसनसोल में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा बाबुल सुप्रियो न बीजेपी में रहते हुए कुछ कर सके और न छोड़कर कुछ कर पाएंगे। कल पीएम मोदी से मिलेंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा। यूपी बीजेपी की कार्टून स्ट्रेटेजी में अब अब्बा जान भी शामिल, कार्टून के द्वारा अखिलेश यादव पर कसा गया व्यंग्य। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 3400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 19 की जान गई। कोरोना वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का व्यंग्य, लिखा इवेंट खत्म हुआ।
यूपी में अब तक 9,41,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना डोज लगी, योगी सरकार ने दी जानकारी। झारखंड में कल से खुल जाएंगे अलग अलग जिलों के 1200 सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, मास्क अनिवार्य। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 1700 नए केस, 27 की मौत। और राजस्थान के टोंक में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में गांव का पुजारी गिरफ्तार, मिठाई देने के बहाने फुसलाया। हिमाचल की मंडी में पति के साथ रहने की चाहत में मां ने ली दो दुधमुही बच्चियों की जान। इंदौर में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, बैंक खातों में पैसे की हेराफेरी का आरोप। गाजीपुर में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, हथियार समेत लूट का माल बरामद। रामपुर में 5 करोड़ की नशीली दवा जब्त, 11 गिरफ्तार। रोहतक में सराफा व्यापारी के घर में लूट का मामला, 3 बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। अलवर में एसआई परीक्षा की ओमार शीट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जलालाबाद बाइक ब्लास्ट मामले में आतंकवादी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी 2 संदिग्धों की तस्वीरें। अलवर में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने गई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, रिपोर्ट दर्ज न कराने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। लातेहार में 9 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपी ने रेप के बाद मां की गोद में थमाई खून से लथपथ बच्ची। ग्रेटर नोएडा में 25,00,000 रुपए का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गुजरात में 9,000 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, अफगानिस्तान से आई थी ये खेप। पटना में NH-30 पर रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दौसा में बड़ा हादसा, LPG गैस से भरा टैंकर पलटने से हड़कंप, आसपास के इलाके को तुरंत खाली करवाया गया। दुबई में शुरू हुआ IPL का दूसरा दौर, मुंबई के विरुद्ध टॉस जीतकर चेन्नई ने किया बल्लेबाजी का फैसला। चेन्नई की बेहद खराब शुरुआत, 24 रन पर ही गिर चुके थे 4 विकेट, ऋतुराज गायकवाड़ ने बाद में पारी को संभाला। पॉइंट्स टैली में दूसरे नंबर पर है चेन्नई, मुंबई चौथे नंबर पर। IPL के बाकी मैचों में नहीं खेलेंगे RCB के वॉशिंगटन सुंदर, उंगली में लगी है चोट। पूर्व महिला टेनिस वन खिलाड़ी सिमोना हालेप ने की शादी, रोमानिया में टोनी यूरुक को हमसफर बनाया। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी डील पर बढ़ता जा रहा है विवाद, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के सौदे को रद्द करने के फैसले की कड़ी निंदा की। रूस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को अंतिम दौर के लिए डाले गए वोट, चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद। हांगकांग के निवासियों ने चुनाव समिति के नए सदस्यों के लिए रविवार को मतदान किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम का बयान, कहा चुनाव से शहर का विकास होगा। योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है उत्तर कोरिया, विशेषज्ञों ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर किया आकलन। इजरायली सेना ने 6 फलिस्तीनियों में से अंतिम 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया, इस महीने की शुरुआत में उत्तरी इसराइल की जेल से भाग निकले थे दोनों। काबुल के कार्यवाहक मेयर हमदुल्ला नोमानी का बयान, कहा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को सुंदर बनाने का तेजी से चल रहा है काम। इंडोनेशियाई सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया, मोस्ट वांटेड आतंकवादी अली और उसका साथी मारा गया। चीन में दर्दनाक हादसा, यात्रियों के नाव के नदी में पलटने से 8 लोगों की मौत। हांगकांग के दक्षिणी जिले में स्थित वाटर वर्ल्ड ओशन पार्क खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार, 21 सितंबर से 1 दिन में सिर्फ 9,000 लोगों को यहां मिलेगी एंट्री। जर्मनी के हैमबर्ग में विश्व ट्रायलथॉन चैंपियनशिप सीरीज में टिम हेल्विंग की शानदार जीत, कुल 51 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।